आदमी को इतना सारा कैश भी है, चलो वहां चलते देखना पड़ेगा। अरे इतना सारा पैसा, इसे पाकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। और जरूर ये पैसा इसी का ही होगा, अगर जो इसको बचाऊंगा ये सारा कैश मुझसे ले लेगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मर जाते हो मर जाने दो, मेरे का खानदान की है ये, चल हट यहाँ से। लड़की को तो करंट लग रहा है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, देखता हूँ चलो। अरे मैं इसकी मदद कैसे करूँ अब, इस लड़की को कुछ हो गया तो। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे, लगता है शायद इसी लड़की के पैसे हैं। अगर मैंने इसको बचाया तो ये सारे पैसे इसको देने पड़ेंगे और वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। और इसको बचा के मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे मैं रख लेता हूँ और वैसे ही मेरी कौन सी जान पहचान की है। अरे इन मैडम को क्या हुआ, और इनको तो बहुत जोर से करंट लग रहा है, मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे यार इन मैडम को तो बहुत जोर से करंट लग रहा है, और मैंने इनको टच किया तो मुझे भी करंट लग जाएगा। यहाँ पर तो कोई स्विच भी नहीं दिख रहा जिससे बंद कर दूं मैं, क्या करूं। मैडम आप ठीक हो तो ना? थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। अरे मैडम आपको ये करंट लगा कैसे? पता नहीं भैया, मैं बस यहाँ से जा रही थी और मेरे से हाथ पे चोट गया गलती से, और फिर मुझे करंट लगने लगा। इसके बाद से जब से मुझे यही करंट लगा जा रहा है। तो क्या इस रोड पर तो कोई भी चलता रहता है, कोई मदद करने नहीं आया आपके? नहीं भैया कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, और ये पैसे, ये पैसे तो आपके लग रहे हैं, ये लीजिए। नहीं भैया इन्हें आप ही रख लीजिए, अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो मैं इन पैसों का क्या करती। वो तो आप इतने भले इंसान है कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना तो आज मेरी जान चली ही जाती। मैडम वो बात ठीक है आपकी, और ये पैसे वैसे आपके हैं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। और मैडम मैंने जो भी किया वो एक इंसानियत के नाते किया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। भैया लेकिन आप इन्हें रख लीजिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अगर आप नहीं होते ना तो आज तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं बहन, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और वैसे ही मैं बहन की कमाई थोड़ी ले सकता हूँ, और मैंने जो भी किया एक इंसान के नाते किया है, तुम अपना ख्याल रखो बस। और हाँ मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं जाता हूँ। ठीक है भैया आप जाइए। अच्छा तो आप सभी इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी सर। तो आप लोगों ने इस इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी भी करी होगी? यस सर, इस इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मुझे इस जॉब की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं ये जॉब पाकर ही रहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको तो पता ही होगा कि अगर हम किसी को हायर करते हैं तो उसमें क्या क्या एबिलिटी देखते हैं। जी सर, मेहनत, लगन और ईमानदारी, और मैं ये जॉब ना पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। वेरी गुड। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ? जी सर बताइए। आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। सर ये कैसा मजाक कर रहे हैं, अभी तक तो आपने हमारे सीवी भी चेक नहीं किए। रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। ईवा समझ आया आप कुछ? नहीं सर मैं कुछ समझा नहीं। तुम अब भी कुछ नहीं समझे? नहीं सर। अब तो सारी चीज तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। जो बाहर तुम देख रहे थे कि लड़की को करंट लग रहा है, उसके पैसे पड़े हुए हैं, उठा के भग जाते हैं। यार पैसे किसी की जान से ज्यादा जरूरी है क्या? वो तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन ये मेरा एक इंटरव्यू लेने का तरीका है, लोगों को परखने का कि कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान है। सर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, बस बस माफ कर दो एक बार सर। सर मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। तुमने मेहनत नहीं करी है, तुमने सिर्फ किताबी पढ़ाई करी है, और तुम बिल्कुल नहीं सीख पाए कि किसी की जान की कीमत क्या होती है। अगर तुम्हें पता होता ना कि किसी की जान की कीमत क्या होती है तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। तुमने अपना पूरे जीवन बिता दिया, किताबों में घुसे रहे, हमेशा स्कूल में घुसे रहे, यूनिवर्सिटी टॉप करी, लेकिन इंसानियत, इंसानियत में तुम बिल्कुल जीरो जीरो।
तुम्हारा एक भी नंबर नहीं मिला उसके अंदर। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना तो आज तुम्हें भी जॉब ऑफर होती। तुम्हें पता भी है जॉब की सैलरी कितनी है? जॉब की सैलरी है 1,70,000 रुपये। तो वहाँ से जो तुमने पैसे उठाए थे उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन नहीं, तुम ना बिल्कुल फेल हो चुके हो उस टेस्ट में। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमको माफ़ करूँगा? कभी नहीं। तुमने ना बहुत बड़ी गलती करी है। और अभी तो क्या, तुम इस कंपनी में कभी जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते अब जॉब के लिए। और इस ब्रांच में तो क्या, किसी ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए सर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर ये जॉब मेरे को नहीं मिली तो। सर बाहर पैसा देख करके मेरे मन में लालच आ गया था सर, मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा सर। प्लीज़ सर, सर ये जॉब हमें दे दीजिए। वादा करते हो? अब इस वादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चांस मिला था वो तुम लोग गवा चुके हो। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि जीवन में हर किसी को एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है कामयाब होने का, और तुम्हारा मौका तुम लोग गवा चुके हो। तुम्हें पता है ना ये कितनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए भी नंबर लगाने पड़ते हैं। कितने घंटे लाइन में खड़े हो गया आए थे तुम? तो तुम ही सोच सकते हो ना कि हमारे पास कोई कमी नहीं है एम्प्लॉय की। ज़रूरत तुम्हें थी, तुम हमारे पास चल के आए, और मेरा जो इंटरव्यू लेने का तरीका है उसमें तुम बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि तुमने कभी जीवन में ईमानदारी और इंसानियत तो सीखी ही नहीं है। सर सर मैं मानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इंसानियत के नाते हमें एक मौका तो दे दीजिए, हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। अरे बस करो तुम, इंसानियत की बात करते हो? थोड़ी देर पहले कहाँ मर गई थी तुम्हारी इंसानियत, जब उस लड़की को करंट लग रहा था? वो कितनी बेबस थी वहाँ पे, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था उसे बचाने वाला। लेकिन तुमने क्या करा, चंद कागज नोट के चक्कर में उसको छोड़ के चले गए, वहाँ पर मरता हुआ छोड़ गए उसको। इससे पता चलता है तुम्हारा दिमाग कैसा है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, और तुम कंपनी के लिए कितना अच्छे हो और कितने बुरे हो सकते हो, ये सब तुमने बता दिया। और मैं वहीं खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, तुम लोग किस तरीके से वहाँ पर हरकत कर रहे थे, मैंने सब देखा अपनी आंखों से। तुम इंसानियत की बात करते हो? इंसानियत उस वक्त तुम्हें दिखानी चाहिए थी, तो आज शायद तुम्हें इतनी बात नहीं करनी पड़ती। सर इस जॉब के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सर, ये जॉब नहीं मिलेगी ना मैं बर्बाद हो जाऊँगा सर, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तुम लोग सीधे सीधे जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बोल के तुम्हें बाहर फेंकवाऊँ? सर प्लीज आओ। आपको देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, आप भी तो इनकी तरह कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर तो और ज़्यादा पैसे पड़े थे, लेकिन आप पैसे की तरफ नहीं गए, आपने ना इसकी जान बचाई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था, मन कर रहा था वहाँ पर आपको आकर गले लगा लूँ और उसी वक्त जॉब ऑफर कर दूँ। लेकिन नहीं, मुझे ना इन लोगों को सबक सिखाना था, इनके सामने सारा सच लाना था, इसीलिए ये सब मुझे नाटक करना पड़ा। अब आप जल्द से जल्द हमारे ऑफिस को ज्वाइन कीजिए, आपका हमारे साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो मुझे इस कंपनी के लिए सुना, और मैं ना इस कंपनी के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे।